फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज के बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझनी और ज़रूरी है। यूनिवर्स के मैसेजेस हैं और उसी के साथ में यूनिवर्स के मैसेजेस के साथ में आप लोगों को यूनिवर्स की बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ में पोर्टल जो खुल रहा है, खुल चुका है एक हफ्ते से ही लगभग, तो आपको कल क्या करना है ये चीज़ें भी बताऊंगी यहाँ पे। और यूनिवर्स के मैसेजेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी दिनों से बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी थी बट मैं वीडियो नहीं बना पाई थी किसी कारणों की वजह से। मैंने सिर्फ अपने जो मेरी सोल सिस्टर ब्रदर्स हैं उनके ही वीडियोस अपलोड कर रही थी। क्योंकि कुछ ऐसे मतलब सिचुएशंस जो है, सब लोग इतने इनबैलेंस, कुछ डिवाइन फेमिनिन हो रही है उनके घर में, ऐसे सिचुएशंस चल रही है कि उनको हैंडल करना, पर्सनली हैंडल करने की ज़रूरत पड़ रही थी। तो पर्सनली हैंडल करने की इस लेवल पे इसलिए ज़रूरत पड़ रही थी क्योंकि वो लाइफ में अगर इनबैलेंस हो रहा है इस पोर्टल के बाद, तो डेफिनेटली उनके लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। ड्रास्टिक चेंज कोई भी अगर आप में से इनबैलेंस हो रहा है इस पोर्टल के वक्त, और स्पेशली कल क्या करना है ये भी बताऊंगी आपको, और यूनिवर्स के बहुत सारे मैसेजेस हैं तो आप लोगों को समझना है। अगर आप कहीं पे भी अगर इनबैलेंस हो रहे हो, कोई सिचुएशन ऐसी खड़ी हो गई आपके घर के लोगों के वजह से या किसी भी प्रकार से आपके सिचुएशंस ऐसे अगर आ गए हैं कि सब कुछ उथल पुथल, गड़बड़ सा, बहुत टेंशनिक, बहुत ही अजीब सा, क्या करना है भगवान, मैं पहले तो ठीक था कि मैं अवेकनिंग नहीं हुई थी, मैं आप पे विश्वास नहीं कर रही थी तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, बट अभी तो मैं अपने नव भी कर रही हूँ और ये सारी चीज़ें कर रही हूँ, फिर भी ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है मेरे साथ में, ऐसी भी चीज़ें हो रही है उन लोगों के साथ में। तो डेफिनेटली यूनिवर्स ये आपसे मैसेज दे रहे हैं कि ये सब कुछ आपके लिए किया जा रहा है, आपके बेटर वर्जन के लिए किया जा रहा है। अगर ऐसा कुछ भी हुआ है आपके लाइफ में, कुछ भी उथल पुथल हुई है, तो उसका कारण एक ही है डियर फ्रेंड्स, कि आपको और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं यूनिवर्स और एग्ज़ाम्स लेके। लेकिन इसके बाद में डेफिनेटली जो भी हुआ है उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है कि कुछ अच्छा ही होने वाला है, ठीक है। तो ये कलेक्टिव एनर्जी में कुछ लोगों के साथ में चल रहा है जो डिवाइन फेमिनिन एक्चुअल में बहुत स्ट्रांग है, उनको और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए कोशिश की जा रही है। आप जो डिवाइन फेमिनिन ऑब्सेशन से बिहेव कर रही, ऑब्सेशन से ऑपरेट कर रही है किसी प्रकार से, तो उनके डीएम उस लेवल पे अवेकन नहीं हो पा रहे जिस लेवल पे होना चाहिए। ओके, तो उस लेवल पे अवेकन होने के लिए थोड़ा सा वर्क लग रहा है। वैसे तो बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन जो सेल्फ लव करती है, वो अपना इनर वर्क कर रही है, अपना वर्क कर रही है, अपने आप पे काम कर रही है, बहुत सारी चीज़ें कर रही है, उनके डीएम की अवेकनिंग शुरू हो गई है, बहुत ही अच्छे से शुरू हो गई है। काफ़ी लोगों का भी मुझे मैसेजेस और कॉल्स भी आए हैं कि हमारे डीएम, ये मैंने पहले भी बताया था आपको लास्ट टाइम कुछ दिनों पहले जब मैंने वीडियो बनाया था, चैनलिंग किया था, कि अवेकनिंग शुरू हो गई है और वो खुद बहुत सारी चीज़ें आपको पूछ सकते हैं। आगे से अगर आपकी बात होती है कि चक्रास कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें भी पूछ सकते हैं। अगर नहीं पूछते तो खुद ही रिसर्च कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें उनको पता चल रही है। तो डेफिनेटली अगर आप डिवाइन फेमिनिन अगर अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हो तो आपके कॉस्मिक पार्टनर में डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं और उनकी भी अवेकनिंग शुरू हो गई है। और वो भी अवेकनिंग शुरू होकर मेडिटेशन कैसे करते हैं, ये क्या है, ये कनेक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें वो आइडेंटिफाई करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्स से जुड़ रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स के बारे में जान रहे हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि बहुत सारे मोटिवेशनल और आध्यात्मिकता से बताते हुए जो अलग अलग जो है लोगों, लेकिन आपको अपना इनर वर्क कंटिन्यू रखना है क्या, ताकि उनको हायर सेल्फ में आप कनेक्ट रह के उनको गाइड कर सको। डियर फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइन फेमिनिन, क्योंकि वो भटक ना जाए। क्या होता है अवेकनिंग के वक्त, तो कुछ लोग ना भटक जाते हैं, कुछ गलत राह पे चले बढ़ते हैं अगर सही रास्ता ना मिले तो। ये बहुत ही गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। और एक बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ, कुछ कमेंट आया था कल, कमेंट जो आया था उन लोग तो 3D में हैं, वो लोग तो इस बात को समझ ही नहीं पाए, बहुत लो वाइब्रेशन में है अगर गलत कमेंट कर रहे हैं तो। लेकिन उसका एक जवाब मैं ज़रूर देना चाहूँगी, जरूर सब लोगों को समझना चाहिए।
कि यहाँ पे ट्विन जर्नी में कुछ कुछ डिवाइन फेमिनिन मैरिड सिचुएशन में होते हो या डिवाइन मैस्कुलिन भी मैरिड सिचुएशन में होते हो ऑलरेडी किसी और के साथ में, और फिर बाद में यूनिवर्स उन्हें ऐसे लोगों के साथ में मतलब इतना सब कुछ ऐसे कार्मिक लोगों से जोड़ के रखते हैं, और फिर बाद में कार्मिक बर्डन से रखते हैं, और फिर बाद में आता है उनका ट्विन उनके लाइफ में और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और जब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो यूनिवर्स ने ऐसा क्यों किया? ये 3D में रह के हम भी अवेकन जब नहीं हुए थे ऐसे ही सोच रखते थे कि ये ऐसी चीज़ें बिल्कुल गलत हैं, मैरिज हो गया तो अपने कॉस्मिक पार्टनर से, मतलब कॉस्मिक पार्टनर हमें पता नहीं था उस टाइम पे, किसी और मर्द से किसी और लड़की से बात करना भी गलत है। डेफिनेटली उनकी सिचुएशन हम भी रख चुके हैं, ये सारी चीज़ें हम भी रखते थे, हम भी पाप समझते थे, हम भी ये सारी चीज़ें करते थे। लेकिन यहाँ पे ट्विन जर्नी में क्या होता है, यहाँ पे ये रोमांस वाली जर्नी है ही नहीं, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपको अपना फोकस पूरा यूनिवर्स के पर्पस पे, अपने लाइफ पर्पस पे रहता है। ये डेफिनेटली आपको सोचने की ज़रूरत है कि अगर आप सिर्फ इन्हीं चीज़ों में फंसे हो और आप अपना पर्पस करने के बदले किसी और चीज़ में फंसे हो तो आप ट्विन जर्नी में नहीं हो। और जो दूसरों को ब्लेम करे, जज करे और चीट करे तो वो तो डेफिनेटली उनको धक्के तो लगने वाले यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। किसी और को जज करने से पहले खुद को भी देख लिया करो, खुद को जज करो पहले, फिर दूसरों को जज करना इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात ये फ्रेंड्स कि किसी भी प्रकार से अगर यूनिवर्स आपको जानबूझ के किसी चीज़ में डाल रहे हैं और वो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही होंगी, क्योंकि देखो आपके आप तो नहीं चाहते थे इस जर्नी में आना, आपको खींच के लेके आ जाते, कितने बार आपने भागने की कोशिश की होंगी, इस जर्नी को छोड़ने की कोशिश की होंगी, लेकिन खींच खींच के यूनिवर्स खुद ही यहाँ पर लेके आते हैं। कुछ लोग होते हैं जो गिव अप करने के नाम से किसी और रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं, मैंने ये भी बोला था। तो ये जो है ना, जिन्होंने भी कमेंट किया था कल, वो कई दिनों से बहुत लंबे समय से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, बर्दाश्त नहीं होता है, किसी की ग्रोथ होती है ना तो कुछ लोगों की बर्दाश्त नहीं होती, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी बात है कि जहाँ पे ग्रोथ हो रही होती है वहाँ पे नेगेटिव पर्सन आके इस तरह से कमेंट और रोकने की कोशिश जरूर करते हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है हमारे लिए सभी सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स जो मुझे अच्छी तरह से विश्वास करते हैं मुझ पर। आपको पता होना चाहिए डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने खुद उस कमेंट को पढ़ के रिप्लाई भी दिया था। तो मेरा कहने का यही मतलब है डियर, जब हम लोगों की ग्रोथ होती रहती है ना तो किसी से सहन नहीं होता। और देखो एक बात, गाइडेंस की तो बहुत ज़रूरत पड़ती है इस जर्नी में। मैंने भी किसी से गाइडेंस लिया, मैं भी अपने सोल पर्पस मैम से हमेशा गाइडेंस लेते रहती हूँ। उनके गाइडेंस के बिना हम कहाँ थे, कहाँ दर दर भटकते रहते, क्या इन वर्क करना है। मैं भी बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी दर दर भटक भटक के सीखी हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को दर दर भटकने की ज़रूरत ना पड़े, आपको सारी चीज़ें एक जगह पे मिल सके। जो भी मैंने अपने लाइफ में पर्पस में सारी चीज़ें मैंने कनेक्ट की है, जो यूनिवर्स ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई है, और ये यूनिवर्स की क्लास है और यूनिवर्स की ही ये चैनल है। तो वो डायमंड्स को चुन रहे हैं यूनिवर्स जो सच में अपनी गलती को स्वीकार करे, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। हमारी कुछ डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन फेमिनिन ने यहाँ पे देखा आपने, उन्होंने अपना खुद का वीडियो बनाया और बहुत सारी वीडियोस है जो अपलोड करने हैं, उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया। ये गलती को स्वीकार करना बड़ी बात होती, गलती करना इज़ ओके, गलती तो कोई भी कर देगा इंसान, लेकिन गलती को स्वीकार करना कितनी बड़ी बात है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए उन लोगों को कि गलती को स्वीकार करना, ठीक है, गलती को स्वीकार करना कितना इम्पोर्टेंट होता है। स्पिरिचुअल ईगो आया था, ठीक है, स्पिरिचुअल ईगो आया था, इस ओके आता है किसी किसी को कभी कभी, बट उसको स्वीकार करना कितनी बड़ी बात है, उसने उस युद्ध को लड़ लिया उसने, ये वेरी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हाँ, आप प्रोटेक्शन हर रोज़ लीजिए, प्रोटेक्शन शील्ड ना लेने से क्या होता है, फिर आप कॉस्मिक पार्टनर से रियूनियन होने के बाद में भी आप अगर इनवर्क नहीं कर रहे हो तो फिर से सेपरेशन होने के चांसेस बिल्कुल डेफिनेटली होते हैं। तो अगर आप ये सोचते हो कि मैं अभी कुछ हो गया, सब मेरा रियूनियन हो चुका है, अभी मुझे कुछ इनवर्क करने की ज़रूरत नहीं है और अपना पर्पस करूँगे नहीं, तो डेफिनेटली और झटके यूनिवर्स देते रहेंगे। तो ये चीज़ें भी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो समझने की बहुत ज़रूरत है कि इन वक्त तो हमें लाइफ लॉन्ग करना ही करना है। आप डेली कीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ खुद को बैलेंस समझ लेने से बैलेंस नहीं होता है डियर फ्रेंड्स, खुद को उस लेवल पे रखना भी जरूरी है कि अगर आप अभी भी किसी से जेलसी करते हो, आप अभी भी किसी को ब्लेम करते हो, आप किसी को भी इस प्रकार से गुस्सा करके अपना फ्रस्ट्रेशन रिलीज कर रहे हो, अभी भी किसी को भी चीट कर रहे हो, अभी भी किसी को जज कर रहे हो, एनीथिंग, ये कैसे बैलेंसिंग हुई, इसको बैलेंसिंग कैसे बोल सकते हो कि आप खुद को बैलेंस करोगे तो दूसरों को आके इस तरह से बोलोगे भी नहीं,
डेफिनेटली मेरे सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स जो अपने आप को बैलेंस समझते हो, तो पहले बैलेंसिंग क्या एनालाइज, यूनिवर्स का बड़ा मैसेज है कि आप लोगों को अब एनालाइज करने का समय है। पोर्टल ओपन हो चुका है आप लोगों के लिए ऑलरेडी कब का, और कल सुबह क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आज आपको एनालाइज करना है, खुद पे पूरा एनालाइज करना है, पूरी तरह से आज तक के आपने जर्नी में जो इनर वर्क करके अपने लाइफ में चेंजेस किए हैं, क्या आपने पॉजिटिव चेंजेस किया, क्या आपने निगेटिव चेंजेस किए हैं, क्या आप में चेंजेस कुछ आए हैं भी कि नहीं आए हैं, ये एनालाइज करना है, लिखना है, बताना है, किसी को बताओ। देखो मैं अपने क्लास के सभी स्टूडेंट्स को तो एनालाइज हर महीने करवाती हूँ कि आपको कुछ सच में कुछ चेंजेस आए या नहीं, ऐसे ही बर्बाद हो रहे कर रहे हो। कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए ना, कि आपको खुद को समझना चाहिए, आपका फ़ायदा है, आपको एनालाइज करना, यूनिवर्स बताते हैं आपको कि एनालाइज करना, आप में इनर वर्क किया, ठीक है इनर वर्क किया तो आप में चेंजेस क्या आए, आप में कुछ चेंजेस आए या नहीं आए। मैं बताती हूँ अपना अवेकनिंग के पहले और अवेकनिंग के बाद में। अवेकनिंग के पहले मैं यहाँ पे वीडियोस नहीं बना पाती, अगर मेरी अवेकनिंग नहीं होती तो मैं किसी को भी मोटिवेट नहीं कर पाती, अगर अवेकनिंग नहीं होती तो इतने लोग मुझे फॉलो नहीं करते, हाँ फॉलो करते थे उससे भी पहले, लेकिन वो अलग चीज़ थी। तो वो जो चीज़ें हैं फेसबुक या टिकटॉक में फॉलो करना, मतलब वो डिफरेंट चीज़ें होती है, लेकिन किसी को लाइफ चेंज, अगर किसी और की लाइफ चेंज कर पा रहे हैं हम लोग, तो डेफिनेटली ये एक अवेकनिंग का एक गिफ्ट है यूनिवर्स की तरफ से। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि थ्रोट चक्रा मेरा ओपन हुआ, हार्ट चक्रा मेरा ओपन हुआ, बहुत अच्छे से एक्टिव कर रहा, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ रही है, स्ट्रांग बन गई हूँ, पहले से डरती थी, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी जो अवेकनिंग के बाद में मेरे इसमें आई है, वो सारी चीज़ें मैं एनालाइज करी हूँ मैंने। तो ऐसे ही आप लोग एनालाइज कीजिए कि क्या था पहले, क्या थे आप पहले और अभी क्या हो, ये यूनिवर्स आपसे एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, आपका मैसेज है आपके लिए। यूनिवर्स कहते हैं आपको कि ऐसे ऐसे डगर आएंगे जिसके ओपन करना चलना ज़रूरी है, तो ऐसे ऐसे डगर मतलब ऐसे ऐसे ऑब्स्टिकल डगर जो उसको ओपन करना ज़रूरी है। किसी और जगह पे जाने से अच्छा है कि रुक जाओ, मतलब किसी और जगह पे आपको दूसरे वे में जाने से अच्छा है कि यहीं पे रुक जाओ, आप इनर वर्क ही करो, आपका बेटर वर्जन बनोगे। अरे इनर वर्क करने से आप ही के जो रास्ते, आपके लाइफ चेंज हो रही है, लाइफ चेंज, सक्सेस पे सक्सेस मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, इतने सारे रिवॉर्ड और ये सारी चीज़ें मिल रही है, इससे बढ़कर और क्या चाहिए आपको लाइफ में, करियर ही तो बनाना है। करियर बनेगा कैसे विदाउट इनर वर्क, आप करियर बनाओगे कैसे, इनर वर्क तो करना ही पड़ेगा। इनर वर्क का मतलब नहीं पता काफ़ी लोगों को, अपना बेस्ट वर्जन बनना, और बेस्ट वर्जन बनने का तरीका बताया जाता है यहाँ पे, बेस्ट वर्जन बनने का रूट दिखाया जाता है, बेस्ट वर्जन बनने का सपोर्ट, किसी की गाइडेंस जरूर हमेशा से चाहिए होती है हम लोगों को बचपन से ही, हमें सही रास्ता दिखाने वाला इंसान नहीं होता है, मुझे क्या लेना है, क्या पढ़ना है, क्या करना है, क्या बचपन से कोई भी क्लास में था, चलो टेंथ हो गया, टेंथ के बाद में क्या लेना है, सही गाइडेंस नहीं मिला, गलत रास्ते गलत सब्जेक्ट ले लिया, फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं आया, वो मेरा था ही नहीं, मुझे वो समझा ही नहीं। अगर देखो कोई गाइडेंस ही नहीं मिलेंगी आपको, तो सब्जेक्ट्स लेकर भी कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, उसको समझ ही नहीं पाओगे, सिर्फ रीडिंग करने से पढ़ाई हो जाएगी क्या, नहीं, उसको समझना भी तो पड़ता है ना सब्जेक्ट को। तो उसी प्रकार से आपके लाइफ में हर चीज़ किसी ना किसी से सीखते हैं, और मैंने भी किसी से सीखा है, आपने भी किसी से सीखा है। अगर किसी के पास में आके सीख रहा है, तो आप में से कुछ अगर कोई ऐसा बोल रहा है, तो डेफिनेटली आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कहाँ सही रास्ता है, कहाँ गलत रास्ता है, क्या इंट्यूशन बोल रहा है, क्या इंट्यूशन क्या है और दिमाग क्या बोल रहा है, इन दोनों में डिफरेंस को समझो। यूनिवर्स का मैसेज है कि इंट्यूशन और दिमाग की चैटर को, डिफरेंस को समझने की कोशिश करो, दोनों में डिफरेंस है। और इंट्यूशन क्या है, इंट्यूशन को कैसे समझोगे, इंट्यूशन जो सबसे पहले आपके दिमाग में जो आता है कुछ अच्छा, वो इंट्यूशन ही होता है, किसी भी चीज़ को सडनली देखकर जो आता है वो इंट्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल के लिए आप कोई एग्ज़ाम लिख रहे हो, मल्टीप्लाई क्वेश्चंस के आंसर लिख रहे हो, ठीक है ठीक है, कंपटीशन एग्ज़ाम में गए, कंपटीशन एग्ज़ाम में आपने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसके ऑप्शंस हैं, ठीक है ऑप्शंस 4 या 5 है, उसमें से सबसे पहला जो आपको आंसर लगता है वही सही होता है एक्चुअल में, क्यों वो लगता है, वो गेसिंग है, आपको ऐसा लगता है, बट दैट इज़ द इंट्यूशन, यूअर इंट्यूशन, सब जो फास्ट फास्ट आप छुड़ाते हो वो होता है इंट्यूशन। और फिर हम दिमाग लगाने लगते हैं, नहीं ये कैसे हो सकता है, ये उसका आंसर कैसे हो सकता है, डबल से पढ़ोगे गलत आंसर लगा के आते हो, दैट इज़ द दिमाग, दिमाग ने बोला, अब दिमाग ने लॉजिकल जो बोला वो गया काम से, अंडरस्टूड। तो आपको अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता और पहला इंट्यूशन ये बोलता है कि ये है मेरा आंसर, तो डेफिनेटली आप पास भी हो जाओगे अभी ये वाला ट्रिक लगा के आप। यही मैंने गलती की थी पिछली बार भी, और मैंने फिर उसको एनालाइज किया, जो मेरा इंट्यूशन जो पहले बोल रहा था वही सही था, है ना।
तो ये चीज़ें होती हैं डेफिनेटली कि आपको इंट्यूशन की बात सुननी है ना, कि ये तो एग्जांपल बताया मैंने आपको एग्जाम का, उसी प्रकार से हर चीज़ में आपको जो इंट्यूशन बोल रहा है, इंट्यूशन क्या है और ये क्या है, इन दोनों चीज़ों को समझो। इंट्यूशन जो यूनिवर्स बता रहे क्या है, कुछ अच्छा है इसके पीछे रीज़न क्या है, यूनिवर्स क्या बताना चाहते, क्या डाउनलोड करा रहे यूनिवर्स, उसको ज़्यादा एनालाइज करने की, उसको ज़्यादा ये लॉजिकल माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ये बोल दिया यूनिवर्स ने, हाँ बोल दिया, मैंने स्वीकार कर लिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ समझा। जो भी यूनिवर्स बताते उस फ्लो में चलना ज़रूरी है, ये टाइमलेस, पूरी टाइमलेस है पूरी चीज़ें। उसी के साथ में आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स, कि आपके सामने जब भी ये वीडियो आए तभी आपके लिए है, लेकिन आप अगर इस चीज़ को यूनिवर्स का मैसेज के तरीके से अगर इसको लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लाइफ में, ड्रास्टिक चेंज होंगे आपके लाइफ में, आप डेफिनेटली बहुत आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में। बट अगर इसमें क्या गलत है क्या सही है, लॉजिकल माइंड लगाओगे तो डेफिनेटली आप ये लॉजिकल माइंड से अपने 3D लेवल पे ही फंसे रहोगे। तो आपको जाना है हायर लेवल पे 5D में जाना है, तो डेफिनेटली आपको समझना चाहिए कि यूनिवर्स ने सबसे पहले जिसके पास में भेजा अपना इंट्यूशन क्या बोल रहा है। डेफिनेटली आप ये दिमाग लगाओगे, ईगो दिखाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ईगो से कुछ नहीं होने वाला है, आपके इंट्यूशन पावर को बढ़ाओ। यूनिवर्स का सबसे बड़ा मैसेज आपके लिए है कि इंट्यूशन पावर आप बढ़ाओ। यूनिवर्स बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए, वो चीज़ें करेंगे जो आपको और भी पावरफुल बनाने के लिए, बहुत सारे एग्ज़ाम्स, जिनके ज़्यादा एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जिनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो रही है कि यूनिवर्स आपको दर दर, मतलब अच्छा रहते हैं, खुश रहते हैं, कुछ वक्त के बाद में फिर ऐसी चीज़ें आपको दिखाते हैं कि आपको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं यूनिवर्स और ज़्यादा। जो सच में अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रही है अपनी डिवाइन फैमिली में, कभी कभी नहीं कर पा रही है वो बात अलग है, लेकिन वो अपना ने यूनिवर्स पर पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है और यूनिवर्स ही चल रही है, लेकिन कभी कभी उनके लाइफ में ऐसी चीजें आ जाएंगी कि उनके भले के लिए ही होंगी, लेकिन वो उस वक्त भले ही नहीं समझेगा कि ये मेरे भले के लिए था, लेकिन डेफिनेटली उसके पीछे आप ही का भला होता है। स्मूथली उसको अगर आप फ्लो में चलोगे तो स्मूथली इस हैंडल हो जाएगा सारी चीज़ें, लेकिन जब उसको अपोज करूँगी और उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी उस सिचुएशन को, तो प्रॉब्लम होगी। अब होती है दूसरी बात कि आपने अगर प्रोटेक्शन शील्ड लिया, सब कुछ लिया, तो वो बहुत बता रही हूँ, लेकिन अगर आपने प्रोटेक्शन शील्ड नहीं लिया, ना ही नर्व वर्क ठीक से कर रहे हो, तो आप पे अप्लाई नहीं होगा ये वाला चीज़, ये होगा निगेटिविटी का अटैक। ओके अंडरस्टूड। और कल है पोर्टल 8:8, तो आप लोगों को कल क्या करना है, कल सुबह है, सुबह लगभग 8 बजे से 8:30 बजे तक के, 8 बजे से पहले भी इस जो टाइम पीरियड होगा, और एग्जैक्टली 8:08 का टाइम जो रहेगा कल सुबह और रात का भी, तो सुबह का स्पेशली, सुबह का ये बोलूँगा कि उस टाइम पे आपको मेडिटेशन करना ही करना है, क्योंकि उस वक्त इतना ड्रेस्टिकली हम तो रोज कर ही रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे करना इज मोर इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट, मोर 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 कितना इम्पॉर्टेंट है मैं बता नहीं सकती आपको, कि आपके लाइफ में और मेडिटेशन बिल्कुल परफेक्टली और अच्छा वाला करना है आपको, ठीक है। तो उस वक्त मेडिटेशन में बैठना है, अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो लॉन्ग ब्रीदिंग ब्रीथ आउट ही कर लो कम से कम, यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी रिसीव हो रही है, अलाउ करो, ठीक है। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 वेरी, कितना वेरी तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल 8:08 याद रखो, कल 8:08 को आपको मेडिटेशन में ही बैठे रहना है, तो आपको लगभग वो ऐसा नहीं कि सिर्फ 8:08 पे ही वो कॉस्मिक एनर्जी एग्जैक्टली उसी टाइम पे सेम टू सेम वहीं पे होंगी, वो तो होंगी ही, लेकिन उससे पहले से ही आपको शुरुआत करनी है, ओके, मेडिटेशन करना, और उसके बाद में भी कंटिन्यू रखना है, ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको पता है न्यू मून का भी पता है, तो न्यू मून मेडिटेशन तो करना ही करना है। अगर किसी को ज्वाइन करना है न्यू मून मेडिटेशन, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, उसके चार्जेस हैं, ठीक है। अगर आपको फ्री मेडिटेशन चाहिए तो अर्थ मेडिटेशन मैं हर महीने के 1 तारीख को करवाती हूँ, आप लोग डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। अगर लेकिन आपको न्यू मून मेडिटेशन चाहिए फ्रेंड्स, कल करना है, अगर लगभग 8:08 को भी हम मेडिटेशन में ही रहेंगे, कल रात को भी और कल सुबह भी हम क्लास में, लेकिन आप क्लास में नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप न्यू मून मेडिटेशन ज्वाइन कर सकते हो कल के लिए, 1 दिन के लिए, उसके चार्जेस भी मैं आपको कम्युनिटी बॉक्स में डाल देती हूँ, ठीक है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप में, और व्हाट्सएप जो है मेरा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डियर फ्रेंड्स, समझे। अब ये कल का दिन इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको बता नहीं सकते,
बता नहीं सकती की बात नहीं, मतलब ये बताने की जरूरत ही नहीं, आपको खुद ही समझ में आ जाता है कि सारी चीजें कैसी होती है। अब चीजें और कुछ चीजें आप लोगों को बतानी है कि कुछ कुछ डिवाइन फैमिली बिल्कुल बैलेंस्ड में है, ऐसा कुछ भी उनके साथ में ऐसा नहीं हो रहा है कि बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, ऐसा नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, उनके डीएम के लाइफ में कुछ ऐसे उथल पुथल हो रही है कि उन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह भी हुई होंगी इस बीच में, और उसको सॉल्व आउट करना बहुत ही, मतलब आप कितने बैलेंस में हो, आप उस चीज़ को कैसे समझते हो, कैसे आगे लेके चलते हो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस लेवल पे उस चीज़ को ले रहे हो। आप फाइट को फाइट के रूप में ना देखकर उसके पीछे का रीज़न अगर समझते हो, अगर अपने आप को उस जगह पे रख के थोड़ा सोचते हो, तो आपको सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे आसानी से। आपके डीएम के साथ में भी हो सकता है या किसी भी पर्सन के साथ में हो सकता है। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे, बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्स ने बताई हैं जो मुझे कंटिन्यूसली आपको बताना है, बट मेरा वीडियो तो लॉन्ग से लॉन्ग 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 बनते जा रहा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ही आपका जी यहाँ पे वीडियो स्टॉप करती हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, लव यू ऑल। अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखिए। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।